हेलो दोस्तों, तुहाड़ा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपां ईटीटी पेपर सैकेंड की तैयारी लई अपना अज का जो सब्जैक्ट है इंग्लिश है, इसका आपां टॉपिक कंजक्शंस करांगे। बहुत ही आसान तरीके नाल करांगे, सो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। सब तो पहला दोस्तों आपां समझदे हाँ कि कंजक्शन की हुंदा है। कंजक्शन नूं आपां पंजाबी दे विच योजक कहिंदे हाँ। यह एक अजिहा शब्द हुंदा है जो दो शब्दां वाकंशां जां वाक्कां नूं आपस विच जोड़दा है। कंजक्शन किसनों कहते हैं? एक अजिहा शब्द होंदा है जो दो शब्दां वाकंशां जां वाक्कां नूं आपस दे विच जोड़दा है, उसनों असीं कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल तो समझते हाँ। रमन एंड सुमन वेंट टू द मार्केट। इत्थे रमन अते सुमन, रमन ते सुमन नूं जो शब्द जोड़ रहा है एंड, यह एक कंजक्शन है। एंड शब्द है जो यह दो शब्दों नूं आपस दे विच जोड़ रहा है, इस तरह इसनों असीं कंजक्शन कहांगे। इसी तरह ही अगे देखते हाँ अगला सेंटेंस। करन डिड नॉट गो टू वर्क बिकॉज ही इज़ इल। करन काम ते नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। इत्थे क्योंकि शब्द है जो इंग्लिश दे विच बिकॉज है, यह भी एक कंजक्शन है क्योंकि यह दो वाक्यों नूं आपस दे विच जोड़ रहा है। इस तरह वह शब्द जो दो शब्दों वाकंशां जां वाक्कां नूं आपस दे विच जोड़दे हन, उन्हां नूं असीं कंजक्शन कहिंदे हाँ। नैक्सट देखते हाँ दोस्तों, ये किन्नी किस्म के होंदे हन कंजक्शन हन। ये तीन किस्म के होंदे हन, कोआर्डीनेटिव, सबॉर्डीनेटिव अते कोरिलेटिव। कोआर्डीनेटिव कंजक्शन कहड़े होंदे हन? इन्हां दे विच वाक जां शब्द इक दूजे तो सुतंत्र होंदे हन, एक दूजे ते निर्भर नहीं होंदे। सबॉर्डीनेटिव कंजक्शन दे विच जो वाक होंदे हन ओह एक वाक है जो दूजे ते निर्भर हुंदा है। इस तरह ही कोरिलेटिव कंजक्शन ओह हुंदे हन जो दो शब्दां दा जोड़ा हुंदा है, यह जो वाकां नूं जां वाकंशां नूं आपस दे विच जोड़दा है। एग्जाम्पल्स जिस तरह के कोआर्डीनेटिव कंजक्शन दीआं हन, एंड और बट सो। इसी तरह ही सबॉर्डीनेटिव कंजक्शन इफ बिकॉज वैन ऑल दो। जो कोरिलेटिव कंजक्शन होंदे हैं वह दो शब्दों का जोड़ा होंदा है, आम तौर पर जिस तरह के बोथ एंड, नॉट ओनली बट आलसो, नो सूनर दैन, वैदर और। इस तरह ही होर कंजक्शन हैं, अपना एम सी क्यूज की हैल्प के नाल इन्हों करा, बहुत ही आसान ढंग करा। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। साडा पहला जो सेंटेंस है, ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ओनेस्ट। ओह गरीब है पर वह ईमानदार है। इस दे विच आपां बट की वरतों करांगे, बट कंजक्शन इस दे विच यूज़ किया जाएगा। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ओनेस्ट। ओह गरीब है पर वह ईमानदार है। इस तरह इत्थे दो वाक्यों नूं आपस दे विच इह जोड़दा है। नैक्सट देखते हाँ, टेक केयर डैश यू शुड फॉल इल। ध्यान रखो किते ये ना होवे कि तुसी बीमार हो जावो। इत्थे आपां लेस्ट की वरतों करांगे, लेस्ट कंजक्शन वरतांगे। लेस्ट का मतलब किते यही ना होवे कि, इस तरह टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल इल, इस दे विच आपां लेस्ट कंजक्शन है जो वह वरतांगे। अगे देखते हाँ, यू शुड रिंग अप यूअर मदर डैश शी मस्ट बी वरीड। तुहानू अपने माता जी नू फोन करना चाहिए है क्योंकि शी मस्ट बी वरीड, ओह परेशान ना होन, ओह जरूर परेशान होंगे। इस तरह इस दे विच आपां फॉर की वरतों करांगे। फॉर दा इत्थे मतलब बिकॉज दे बराबर ही समझा जा सकता है। इसका मतलब क्योंकि, फॉर जो असी कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्योंकि होंदा है। यू शुड रिंग अप यूअर मदर, तुहानू अपने माता जी नू फोन करना चाहिए है क्योंकि वह जरूर परेशान होने। इस तरह असी अगे देखते हाँ, गगन वॉज डैश प्रेज्ड डैश रिवॉर्डड। गगन दोवें उसनू यानी कि प्रेज भी किया गया तो रिवार्ड भी दिता गया, उसनों उसकी तारीफ भी की गई तो उसनों इनाम भी दिता गया। इस तरह इस दे विच असी बोथ एंड की वरतों करांगे, गगन वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवार्डड। अगला सेंटेंस देखते हाँ,
यू कैन पास डैश यूर वर्क हार्ड, यू कैन पास डैश यू वर्क हार्ड, हाउ एवर ऑल दो अनलैस या इफ, यू कैन पास तुसी पास हो सकते हो जेकर तुसी सख्त मेहनत करो। इस दे विच इस तरह आप की यूज़ करांगे इफ, इफ का मतलब जेकर, इफ यू कैन पास इफ यू वर्क हार्ड। इस तरह यह दो वाकों को आपस दे विच जोड़ रहा है। नैक्सट देखते हाँ, टैल मी डैश ही हैज़ गॉन एज नो वेयर वेयर बिकॉज, मैनू दसना, मैनू दसो वो कित्थे गया है। इस दे विच अपां वेयर की वरतों करांगे, वेयर कंजक्शन वरता जाएगा। टैल मी वेयर ही हैज़ गॉन, दसो वह, मैनू दसो वह कित्थे गया है। नैक्सट देखते हाँ, विच कलर डू यू लाइक, रैड ग्रीन येलो डैश पिंक। बहुत ही आसान है, इत्थे दोस्तों अपां और दी वरतों करांगे। विच कलर डू यू लाइक, रैड ग्रीन येलो और पिंक, तुसी केड़ा रंग पसंद करते हो, लाल हरा पीला या फिर गुलाबी, और दा मतलब जा। नैक्सट देखते हाँ, डैश ही वॉज इल ही वर्कड हार्ड, भावें वह बीमार सी उसने, पर उसने सख्त मेहनत की। इत्थे अपां ऑल दो वरतांगे, ऑल दो दा मतलब भावें या हालांकि, ऑल दो ही वॉज इल ही वर्कड हार्ड, भावें उस भावें वह बीमार सी पर उसने सख्त मेहनत की। अगला सेंटेंस देखते हाँ, ही मेड अ प्रोमिस डैश ही वुड बिहेव बैटर इन फ्यूचर, उसने प्रोमिस किया कि वह फ्यूचर दे विच वधिया बिहेव करेगा। इस तरह आप इत्थे के दे लई दैट यूज़ करांगे, ही मेड अ प्रोमिस दैट ही वुड बिहेव बैटर इन फ्यूचर। इत्थे दो सेंटेंस नू आपस दे विच जोड़न वाला दैट है, इस तरह एक कंजक्शन है। नैक्सट देखते हाँ, वॉक फास्ट डैश यू विल मिस द ट्रेन, तेज़ तुरो या फिर तुसी ट्रेन नू मिस कर दोगे, नहीं तो तुसी ट्रेन नू मिस कर दोगे। नहीं तो दे लई असीं और यूज़ करांगे, और दा मतलब जा हुंदा है या फिर नहीं तो, इस तरह इत्थे और वरता जाएगा, वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। नैक्सट देखते हाँ, आई वुड रैदर डाई डैश यील्ड, मैं हारन दे नालों मरना चाहांगा। इत्थे अपां नालों दे लई दैन यूज़ करांगे, रैदर दे नाल आम तौर ते असीं दैन दी वरतों करदे हाँ। इस तरह ये रैदर ते दैन कंजक्शन ने जो इकट्ठे वरते जांदे ने आम तौर ते, इस तरह इत्थे दैन दी वरतों होवेगी, आई वुड रैदर डाई दैन यील्ड। अगला सेंटेंस है, आई एम सो टायर्ड डैश आई कैन नॉट वॉक, मैं इन्ना थक्या होया हाँ कि मैं तुर नहीं सकता। के दे लई जिस तरह मैं तुहानूं पहलां दस्या है, इत्थे की यूज़ होवेगा, दैट, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। अगला सेंटेंस देखते हाँ, ही विल नॉट पास डैश ही वर्क्स हार्ड, ही विल नॉट पास डैश ही वर्क्स हार्ड। इस दे विच अपां अनलैस वरतांगे, अनलैस दा मतलब हुंदा है जेकर नहीं, ये इफ दे बिल्कुल उल्ट हुंदा है। ही विल नॉट पास अनलैस ही वर्क्स हार्ड, ओह पास नहीं होवेगा जेकर वह मेहनत नहीं करता। इस तरह नहीं है जो इस दे विच पहला ही शामिल है। इस तरह अगला सेंटेंस देखते हाँ, द थीफ रेन डैश ही सॉ द ऑनर ऑफ द हाउस। इस दे विच एज़ सून एज़ दी वरतों की जाएगी, एज़ सून एज़ दा मतलब हुंदा है ज्यों ही या फिर जदों। द थीफ रैन, चोर दौड़िया, एज़ सून एज़, ज्यों ही सॉ द ऑनर ऑफ द हाउस, जदों उसने घर दे मालक नू देखिया। इस तरह इत्थे जो कंजक्शन है वह है एज़ सून एज़। नैक्सट सेंटेंस लैंदे हाँ, आई लीव माई बैड डैश द सन राइज, मैं उठ जाता हाँ कदों,
डैश सन राइजेस, सूरज चढ़न तो पहला। इत्थे जो ढुकवा कंजक्शन है वह है ऑप्शन ए बिफोर, बिफोर का मतलब पहला। आई लीव माई बैड बिफोर द सन राइजेस। नैक्सट ते आखिरी जो सेंटेंस है, आई शैल वेट फॉर यू डैश यू रिटर्न, मैं तुहाडा इंतजार करांगा। आई शैल वेट फॉर यू आंटिल यू रिटर्न, जदों तक तुसी वापस नहीं आउंदे। इस तरह इत्थे जो आंटिल कंजक्शन है वह वरता जाएगा। दोस्तों जेकर वीडियो वधिया लगी होवे कमेंट करके जरूर दसना, प्लीज़ इस नूं लाइक ते शेयर जरूर करना। नैक्सट वीडियो जल्दी ही लैके आवांगे, तक तद तक दिओ इजाज़त, धन्यवाद।